Hey guys, welcome or welcome back to my channel. I am Aditi and you are watching The Aditi's World. So in today's video, I'm going to be sharing with you guys some really amazing DIYs to do when you're bored at home. And guys, सारे DIYs जो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ वो मैंने घर पे अवेलेबल चीज़ों के साथ रिसाइकिल करके बनाए हैं, तो आपको अलग से कोई भी आइटम परचेज करने के लिए बाहर भी नहीं जाना होगा एंड आप घर पे ही बढ़िया बढ़िया से DIYs बना लोगे. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. बट बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्रेस दैट लिटिल बेल बटन सो यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्टेड अ न्यू वीडियो. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, हमारे फर्स्ट DIY में हम बनाएंगे ये सुंदर सी टेबल. इसे देखने में आपको लग रहा होगा कि ये इसे बनाने में थोड़ी ट्रिकी होगी, बट इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है. बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बन जाएगी. सो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का एक स्टैंड. सो इस स्टैंड के ऊपर गमले रखते हैं हम, या फिर इसे मटका रखने के लिए यूज़ करते हैं. सो हमारे इंडियन हाउसेज में मोस्टली सारे लोगों के घर पे ये होता ही है, बट यदि आपके पास ना हो तो ईज़िली ये मार्केट से 60 to 80 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा. सो इसके ऊपर सबसे पहले आपको कलर कर लेना है. सो मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट का यूज़ किया है. देन इसके बाद हमें चाहिए एक राउंड वुड पीस, या फिर आप एक थिक कार्डबोर्ड पीस भी ले सकते हैं. सो इसके ऊपर भी हमें कलर करना है, तो अगेन मैं यहाँ पे ब्लैक कलर ही यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने यहाँ पे नैरोलैक का ब्लैक ऑयल पेंट का यूज़ किया है. इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे ओवरनाइट, उसके बाद इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन बना लेंगे. सो मैंने यहाँ पे ये फ्लावर की डिज़ाइन बनाई है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी. सो इसके अंदर मैं कलर करूँगी एंड मैं इसके अंदर वाइट कलर कर रही हूँ. अगेन मैं ऑयल पेंट का ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ऑयल पेंट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. सो मैंने अगेन यहाँ पे आई गेस नैरोलैक का ही वाइट पेंट यूज़ किया है, तो इसकी हेल्प से मैं अपने फ्लावर को कलर कर लूँगी. एंड उसका जो सेंटर वाला पार्ट होता है उसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगी येलो कलर. सो जितने भी शेड मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ऑयल पेंट के, सारे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी. सो इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है ये ग्लू, इसे मैकेनिकल ग्लू अपॉक्सी ग्लू कहते हैं. सो इसके अंदर दो इस तरह से आपको ग्लू मिलती है, एक है हार्डनर और एक है रेजिन. सो इन दोनों को मिक्स करके आपको इसे यूज़ करना होता है. सो ये 17 रुपीज़ का ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगा. एंड ये जो एक ग्लू है, लाइक दोनों को आपको मिक्स करना होता है एंड ये एक पैक आपको पूरा लग जाएगा इसे पेस्ट करने के लिए. सो इसे आपको मिक्स कर लेना है एंड अपने स्टैंड के ऊपर इस तरह से इसे लगाना है एंड देन इसके बाद इसे पेस्ट कर देना है. एंड इसे पेस्ट करने के बाद मैंने इसे उल्टा रखा था एंड इसे उल्टा रखने के लिए इसके ऊपर थोड़ा वेट रखा था, तो मैंने यहाँ पे दो ब्रिक का यूज़ किया था. एंड इसे ड्राई होने में अराउंड 6 to 7 आवर्स लगेंगे, या फिर आप इसे भी ओवरनाइट ड्राई होने के लिए छोड़ सकते हैं. एंड लास्ट में मैं यहाँ पे जो भी इम्परफेक्शंस थे वो थोड़ा सही करूँगी एंड उसके बाद हमारी सुंदर सी टेबल बन करके रेडी है. सो गाइज, हमारा नेक्स्ट DIY बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो इसमें मैं रिसाइकिल करने वाली हूँ एक ग्रीन कोकोनट शेल को. सो ये मेरे घर पे काफ़ी सारे हो गए थे, सो मैंने सोचा इसे फेंकने से अच्छा मैं इसके साथ कोई DIY करती हूँ. सो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है एक येलो एंड ग्रीन ऑयल पेंट एंड एक हमें चाहिए होगा पेंट ब्रश थोड़ा बड़े साइज़ का. एंड हमें दोनों कलर को थोड़ा थोड़ा सा एक प्लेट में निकाल लेना है एंड हमें इन दोनों कलर को मिक्स नहीं करना है. अपने ब्रश पे थोड़ा सा आपको ग्रीन कलर एंड येलो कलर साथ में ही लगा लेना है. एंड इसे लगाने के बाद सिंपली आपको अपने कोकोनट को पेंट कर देना है, बट यहाँ पे एक ट्रिक है वो आपको मैं वीडियो में ही बताऊंगी. सो आपको इस तरह से येलो, लाइक येलो आपको थोड़ा कम लेना है, ग्रीन ज़्यादा लेना है. सो दोनों कलर को ले लेना है, इस तरह से पेंट करना है. सो ये थोड़ा एक लाइट कलर आएगा आपका. एंड बीच बीच में आपको ये करना है गाइस कि आपको थोड़ा सा येलो कलर लेना है जब आपका कोकोनट सारा पेंट हो जाए एंड इस तरह से लगा के आपको इसे इस तरह से ब्रश करना है. सो बीच बीच में वो येलो लाइंस दिखती हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती हैं. सो इसलिए आपको ऐसा करना है एंड इसके बाद इसे आपको पेंट कर लेना है एंड इसे भी ड्राई होने के लिए छोड़ देना है 6 to 7 आवर्स के लिए, या फिर
ओवरनाइट। तो आप देख सकते हैं कि वो येलो लाइंस कितनी अच्छी दिख रही हैं। सेम आपको ये जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे भी ग्रीन कलर एंड येलो कलर को हल्का सा मिक्स करके पेंट कर देना है, एंड देन इसे हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। एंड गाइज जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा देन इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे मिट्टी। सो हम यहाँ पे एक प्लांटर बना रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली हमारा प्लांटर होगा, एंड हमने ये हमारे कोकोनट को फेंका भी नहीं एंड इसे अच्छे से हमने रिसाइकिल किया। सो इसके अंदर आप जो प्लांट लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मनी प्लांट लगाएं क्योंकि वो लंबा होता है, सो इसमें बहुत सुंदर दिखता है एंड क्योंकि इसके ऊपर जो होल है वो थोड़ा छोटा होता है। सो मैंने यहाँ पे मनी प्लांट लगाया है एंड ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। सो यदि आपके पास भी इस तरह से कोकोनट हो तो आप भी उसे फेंकने से अच्छा इस तरह से DIY कर दीजिएगा, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। सो फॉर आर नेक्स्ट DIY मैं रिसाइकिल करने वाली हूँ अपने एक ओल्ड स्पेक्स बॉक्स को। सो जिसके लिए अगेन हमें चाहिए येलो कलर, एंड येलो कलर में मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिला लिया है ताकि ये थोड़ा लाइट हो जाए। सो अगेन मैंने यहाँ पे ऑयल पेंट का ही यूज़ किया है गाइस, क्योंकि प्लास्टिक के ऊपर जब आप एक्रेलिक पेंट करते हो ना सो वो बहुत ही जल्दी निकलने लगता है, एंड आप इतनी मेहनत करके अपना DIY बनाओगे एंड वो जल्दी से ही ख़राब जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा भी लगेगा, इसलिए आप भी येलो कलर ऑयल पेंट का ही यूज़ करें। सो मैं अपने पूरे बॉक्स को येलो कलर से एक बार कवर कर लूँगी एंड इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पे बनाए हैं ये इस तरह से स्पाइक्स, एंड आप देख के समझ ही गए होगी कि ये मिनियन के स्पाइक्स हैं। सो क्योंकि स्पाइक्स बॉक्स है तो मैंने सोचा इसके ऊपर ये प्रिंट बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो ऑयल पेंट के साथ गाइज ये रहता है कि उसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि आपको एक एक कलर के ड्राई होने का वेट करना पड़ता है। जैसे मैंने येलो कलर किया एंड देन उसे मुझे 5 to 6 hours के लिए ड्राई होने रखना पड़ा, देन उसके बाद मैं ऊपर प्रिंट कर पाई। सो इस तरह से मैंने अंदर वाइट कलर कर लिया है, लाइक ऑब्वियसली वो आईज हैं तो वाइट कलर ही होगा, एंड इसके जो बाहर वाला पार्ट होता है रिम उस पर मैंने ब्लू कलर किया है, एंड इसकी जो डंडी होती है उसमें मैंने ब्लैक कलर किया है। सो इस तरह से, एंड देन इसे भी मैंने ड्राई होने छोड़ दिया था, एंड इसके बाद मैंने एक ले लिया है मार्कर पेन एंड अंदर मैं उसमें आइज बना लूंगी। सो यहाँ पे आप मार्कर पेन की जगह ब्लैक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, मुझे मार्कर पेन से थोड़ा ज़्यादा ईजी लगा सो मैंने उसका यूज़ कर लिया। सो इस तरह से हम आइज बना देंगे, एंड आइज को बनाने के बाद जहाँ पे भी थोड़ा कलर हमारा बाहर निकला है उसे मैं येलो कलर की हेल्प से सही कर दूंगी, एंड हमारा ये ओल्ड स्पेक्स बॉक्स रिसाइकिल होकर के रेडी है। सो अगली बार जब आप भी बोर हो तो आप भी ये DIY ज़रूर करिएगा, और यदि आप ये रिक्रिएट करते हो तो इंस्टाग्राम पे मेरे साथ पिक ज़रूर शेयर करिएगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। सो गाइज अब जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट DIY है वो सबसे ज़्यादा सिंपल है। सो इसमें मैं रिसाइकिल करने वाली हूँ ये एक ओल्ड मिरर को। सो इस तरह का मिरर भी हमारे इंडियन हाउसेज में सभी के पास होता ही है, सो मेरे पास भी था सो मैंने सोचा इसे रिसाइकिल करते हैं। सो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्रेलिक पेंट यूज़ करा है क्योंकि ये मैंने सबसे पहले बनाया था, एंड जब मैंने ये बनाया तो मुझे पता चला कि एक्रेलिक पेंट बहुत जल्दी निकल जाते हैं प्लास्टिक के ऊपर से, तो आप यदि बना रहे हो तो आप ऑयल पेंट का ही यूज़ करना। सो यहाँ पे मैंने लाइक रेनबो के सारे कलर्स लिए हैं जैसा कि आप देख सकते हो, एंड एक मैंने लिया है क्यू टिप, एंड उसके हेल्प से मैं एक एक कलर में डिफरेंट क्यू टिप को डिप करके इस तरह से डॉट्स रखती गई हूँ, एंड मुझे तो ये DIY बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही अच्छा लगा, एंड ये एक्चुअली 5 minutes में ही बन जाएगा आपका, एंड आपका जो ओल्ड मिरर है उसको थोड़ा न्यू लुक भी मिल जाएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। सो आप के पास यदि टाइम हो तो आप ये DIY को भी ज़रूर रिक्रिएट करिएगा। सो या,
That's it for today's video. Hope you guys enjoy watching this video. If you do, then do not forget to give this video a big fat thumbs up, subscribe to my channel, press that little bell button so you get notified every time I posted a new video. And if you have any video suggestions, do not forget to share it with me in the comment section below. And also guys, do follow me on my Instagram because I'm super active there. So these are my Instagram handles. And if you are watching this face for the very first time, do not forget to check all the videos linked below. And now I'll see you in my next video. Till then, stay healthy, stay positive, and bye guys.